सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज है जलवा पूजन, जिसका ब्लॉग ये होने वाला है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, सबको दिखाओ क्या क्या है इसमें। इसमें चांद, सूरज, दो तीन। मम्मी चुप गया तो इसको। अभी बिट्टू की नानी सानी उसको पहना है काला डोरा, जिसमें है ये चांद और ये सूरज। सो या गुड मॉर्निंग गाइस, आज बिट्टू की डैडी आने वाले हैं, बिट्टू की मौसी आने वाली है और बिट्टू के दादा जीजा सब लोग आने वाले हैं आज। तो अभी जस्ट हमारे बिट्टू जगी है और अभी थोड़ा सा इसका रोना धोना चालू हो गया है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा थोड़ी देर सुलाते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे बाकी काम। तो अभी सबसे पहले नहाएंगे, बिट्टू को नहलाएंगे और उसके बाद फिर तैयार होंगे। तो मेहंदी मैंने जो कल लगाई थी, थोड़ी देर के लिए बिट्टू सो गई है। तो गाइस, आज जैसे भी किचन के जस्ट पास वाला रूम, मुझे अभी मैं जिस रूम में रहती हूँ किचन के जस्ट पास में, तो रूम तक इतनी बढ़िया वाली खुशबू आ रही थी ना, फिर मैं जैसे किचन में जाके देखी तो मैंने देखा आलू छोले की सब्जी और मस्त मिर्ची बन रही थी। इसको देख के ना बहुत मन कर रहा था खाने का, बट अभी मैं खा नहीं सकती हूँ, बस देख सकती हूँ। तो आज गेस्ट आएंगे तो उनके लिए खाना बन रहा था। वो भी सुलाया था, ये वापस जग गया। इतनी सी देर के लिए सोते हो क्या? चलो अब जग गए तो फिर नहीं। फिर ना नेवगन आंटी जी आ गए थे तो उन्होंने बिट्टू की मालिश करी और बिट्टू को अच्छे से नहला दिया। तो बिट्टू इतनी रो रही थी, बच्चे पता नहीं क्यों रोते हैं जब भी नहाते हैं। तो सबसे पहले विन्नी जी जाए जो कि सुबह 4 बजे के निकले हुए पाली से और ये सबसे पहले आए हैं, तो जस्ट अभी इनका वेलकम करते हैं। किट्टू कहाँ जा रहा है? ये किट्टू है और वो बिट्टू है और इधर कपड़ों का डिस्कस चल रहा है। तो अभी मैंने मेकअप कर लिया है और ये मेरी किट्टू रानी, ये भी मेरे साथ साथ लगी हुई है। और अभी मैं पहन लेती हूँ पोशाक। अभी मैंने यही सूट डाल लिया था नहाने के बाद, क्योंकि पोशाक गंदी हो जाती है इसलिए, बहुत भारी भी है। तो अभी ये वाली पोशाक पहनी है। किया इधर देखो, किया हाय करो, हाय, शी सो क्यूट, सो शी सुपर डुपर क्यूट। हाँ, नो नो बेटा, करंट आ जाएगा, नो नो करंट आ जाएगा, नो 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 करंट, नो करंट आ जाएगा। इसके दांत बहुत क्यूट लगते हैं, ये चूहे वाले दांत। नो बेटा नो, ये ऐसे बोला आई लव यू, ऐसे बोला आई लव यू। पोशाक पहन लिए, तो आज मैंने पहनी है ये आम कलर की पोशाक, जो कि ये कलर मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने ये वाली पोशाक पहनी है। अरे तो अभी जीजा भी आ गए और बहुत ही जल्दी आए एकदम टाइम पे। हाय मुंशी, बिट्टू वीडियो बना रहे हो? हेलो यश, इधर देख। यार यश तो मेरे से भी बड़ा लगने लग गया। तो फाइनली बिट्टू के डैडी भी आ गए हैं और बहुत सारे सामान लेके आए हैं। अरे एक चीज, मच्छर नहीं होती है।
तो फाइनली सब लोग आ गए थे। तो जब सब लोग आते तो घर में ना जगह ही नहीं रहती गाड़ियाँ खड़ी करने की, एकदम जाम लग जाता है। तो फिर ना मेरे को जीजा और ये सब मेरे को रेडी कर रहे थे, जूलरी वगैरह पहना रहे थे। तो जीजा काकी साहब मम्मी और ये सब ये बाहर ना लेडीज़ आ गई थी तो सब लोग बुला रहे थे, तो इसलिए फिर मेरे को ना जल्दी से रेडी होना था। तो चलते हैं। तो जलवा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ जितना मुझे पता है कि जलवा जब होती है ना तब चूड़ा पहना जाता है और कुआ पूजन होता है, बट हमारे इधर ना कुआ पूजन नहीं होता, हमारे बस चूड़ा पहनाते हैं। और शाम को मतलब झालर के टाइम ना जब मंदिर में पूजा होती है उस टाइम पे गैस चूल्हे पे और परिंडे पे, मतलब पहले परिंडा बोलते थे जहाँ पे अपन लोग मटकी वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पे ना तिलक और ये राखी तिलक किया जाता है। तो वो भी मैं इवनिंग में करूँगी, बट अभी जिस चूड़ा पहनाएंगे। तो आज का कार्यक्रम ये है जिसको जलवा पूजन बोलते हैं। हाय, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना, इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ। अगर आपको भी मैं सुंदर लग रही हूँ तो डू कमेंट।
तो चूड़ा पहनने के बाद ना फिर जीजा ने मेरा आरती उतारी, मतलब आरतियाँ बोलते हैं, तो वो किया। और उसके बाद ना जो भी सामान आया था, मतलब मेरे लिए कपड़े, गुड़िया के लिए कपड़े और खिलौने, टॉयज़ वगैरह, उन सब चीज़ों का ना मैं सेपरेट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बनाऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन क्या क्या लाया, मतलब मेरे घर से, मतलब मेरे ससुराल से क्या क्या आया है और मेरी जीजा और सब लोग क्या क्या लेके आए हैं। तो मैं इस पर ना एक पर्सनली सेपरेट वीडियो बना के और नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। उसके बाद फिर मैंने मंदिर में डोक दिया और उसके बाद फिर मैं बाहर गई तो सूरज जी के डोक दिया और चारों कूट में पगे लगे, मतलब पगे लगते हैं चारों तरफ देवताओं के, तो वो किया। और उसके बाद फिर मैं सबसे मिली, जो मेरे जीजू सावर भी आए हुए थे तो वो सब बाहर ही बैठे थे, तो उन सब में से भी मिली और सबके डोक दिया, आशीर्वाद लिया। ये बड़े जीजू सा है और ये विनी जीजा वाले, ये विनी जीजा वाले जीजू सा हैं। और ये मेरे काकी सा जो कि बहुत ही कॉमेडियन है, बहुत ही अच्छे हैं, तो ये मेरे से जस्ट मजाक कर रहे थे। फिर मैंने सबकी ढूंढ दी, मतलब जो भी मेरे काकी सा और बड़े मम्मी और गांव के सब लोग आए हुए थे तो सबकी ढूंढ लिया। आज तो बहुत सारे बच्चे आ गए, ज़्यादा ही आ गए। हाय बंचू भी आ गया, हेलो। हाय पिकी, हाय आ गया मेरा बिट्टू। मीना जस्ट सबसे लेट, मीना जस्ट सबसे बिट्टू बिट्टू देखो डैडी आए। अभी ना बिट्टू की डैडी इसको जगाने की बहुत कोशिश की है, बट ये कल पूरा दिन नहीं जगी, मतलब सोई रही थी पूरा दिन, ऐसे तो सोती नहीं है कल, बट जब लोग सब लोग आए, सब लोग इसको खिलाने की कोशिश कर रहे थे, जगाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये जगी नहीं है, सोई रही थी बस। तो ये है डैडी की लाडली बेटी। तो किटला किटू तू सो गया, बाय सिया, बाय बाय कर दे। क्या क्या लेके आया नानी से दिखाओ। जय श्री श्याम करो, जय श्री श्याम करो, जय श्री। अभी बोला थोड़ी देर पहले। ये देखिए विनी जी जाए भी सबसे पहले थे और जा भी सबसे पहले रहे हैं, क्योंकि विनी जी वैसे पाली रहते हैं, पाली शिफ्ट हो गए जीजूसा के साथ, बट अभी इनको ससुराल जाना था दिवाली की वजह से, तो फिर ये लोग निकल गए थे। और इधर हमारे बिट्टू रानी को उसके डैडी बाहर लेके आ गए थे, पहली बार बिट्टू बाहर निकली है। नहीं, इतने दिन बिट्टू को बाहर नहीं निकाला था और आज जैसे जलवा हुई तो उसके डैडी बाहर लेके आ गए। उसके डैडी
उसके बाद ना वन बाई वन करके सब लोग जा रहे थे, तो विनी जी आ गए, फिर जीजा गए, फिर ये गए, फिर मीना जी जा गए, तो सब लोग चले गए थे। बाय बाय। तो मेरा बहुत जी जल रहा था। दस रुपए दे के जा रहे हो, मुझे देख लो। अच्छा अब दीवार पे आ जाए, आने आ जाए। बाय। दिवाली पे पिकी। बाय बाय बाय। उसके बाद सब लोग चले गए थे, फिर मैंने ना कॉटन का पीला ओढ़ लिया था, मतलब पीला सूट पहन लिया था। तो ये सूट पहन के मेरे को इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी ना, मतलब मेरे को पता नहीं क्यों ये सूट बहुत अच्छा लगता है, पीले का जो सूट होता है वो। तो फाइनली ये चांस तो मुझे मिला ये सूट पहनने का। और फिर ना सबके जाने के बाद फिर मैंने किया चूल्हे पे और परिंदे पे राखी तिलक। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे होता है समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कुछ भी अगर सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।